मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं, लर्निंग के एतबार से साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है देयर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स ब्रॉडली स्पीकिंग। हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ मोटी मोटी बातें देख रहे हैं आज के इस वर्कशॉप में। तीन अलग डिस्टिंक्ट टाइप के लर्नर्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो विजुअल लर्नर्स होते हैं, मिसाल के तौर पर आंखें बंद करी सब लोग। अब बताओ, मैं आप में से जिन्हें पूछूंगा वो बताएंगे, ओके? या आप आंखें बंद, हाँ सब लोग आंखें बंद। अब ये बताओ कि स्टेज पे क्या दिख रहा था आपको, स्टेज पे क्या है? हाँ मैं हूं, आंखें खोल के मत देखिए, मैं तो हूं ही, ऑफ कोर्स मुझे मिस करेंगे तो कुछ और प्रॉब्लम होगा। जी बोर्ड है, कौन से कलर का बोर्ड है? ग्रीन, ओके। और क्या है? हाँ बैनर है, ओके। क्या कलर है उसका? ब्लैक दिख रहा है वो, ओके। और कितनी चेयर्स है? ओके ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ओपन। जो लोग विजुअल लर्नर्स होते हैं, विजुअल लर्नर्स, वो देखकर उनको चीजें याद हो जाती है, और जो विजुअल लर्नर्स नहीं होते ना, वो गुजरेंगे, उनको कुछ भी दिखेगा ही नहीं, बस अपनी दुनिया में चले जाएंगे, उनको वो चीज नोटिस नहीं कर पाएंगे कि यहां देखो ये लाइट्स दिख रही है, ये ब्लू कलर की लाइट है यहां पर, ये यहां पे ब्राउन कलर के टाइल्स जैसे हैं। ये सारी चीजें जो है ना, विजुअल लर्नर्स जो होते हैं ना, जो देख करके उनके माइंड पे, दिमाग पे वो इमेज ज्यादा इंप्रेस करती है, वो इमेज उनके दिमाग में ज्यादा रहती है, ये होते हैं विजुअल लर्नर्स। सेकेंड कैटेगरी होते हैं जो ऑडिटरी लर्नर्स, जो सुनकर सीखते हैं, सुनते हैं तो उनको साउंड से वो बात बहुत अच्छे से याद होती है। अगर आप उन्हें कहोगे कि अच्छा क्या कहा उन्होंने, वर्ड टू वर्ड दोहरा सकते हैं। विजुअल लर्नर्स और काइनेस्थेटिक जो होते हैं ना, उनको बोलेंगे नहीं ऐसा ही कुछ था, वो वर्ड्स दोहरा नहीं पाते हैं। जो ऑडिटरी वाले होते हैं वो वर्ड्स, सेंटेंसेस, आइडियाज, पैराग्राफ्स बोल सकते हैं, वो सुनते हैं तो उनके कानों से जो लर्निंग होती है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। ये हो गया सेकेंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी है काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक वो है जो कुछ करते हैं तो करके वो लोगों के दिमाग में बहुत अच्छा रजिस्टर होता है। ये जानना क्यों जरूरी है, चलिए मैं आपको तीन बातें बताता हूं। जो मान लीजिए विजुअल लर्नर्स है, वो विजुअल लर्निंग पैटर्न्स यूज करेंगे, मिसाल के तौर पर उनके लिए कलरफुल मार्कर्स बहुत मायने रखते हैं। वो कलरफुल मार्कर्स होते हैं, हाँ पैरेट ग्रीन, फ्लोरेसेंट ऑरेंज, वो सब कलरफुल मार्कर्स से कलर कोडिंग करें, ये चीज उनके लिए बहुत इफेक्टिव होती है, क्योंकि वो विजुअल लर्नर्स है, उनके दिमाग में वो कलर्स वगैरह, उसी तरह जो छोटे छोटे कुछ रिमाइंडर, कुछ मेमोज है, स्टिकी नोट्स है वगैरह, वो चीजें उनको बहुत अपील करती हैं विजुअली। कोई चीज यहां लिख के लगा दो, कोई डायग्राम यहां लगा दो, बाकी जो विजुअल नहीं है ना, वो डायग्राम उनके लिए ब्लैंक स्पॉट होगा, वो डायग्राम लगा के कोई फायदा नहीं होगा, बस वो लगा हुआ है। जो विजुअल लर्नर्स होते हैं उनके लिए चेकलिस्ट लगी हुई है, वो चीज वो लोग बहुत फॉलो करते हैं, अच्छा ये काम बाकी है, ये पेंडिंग है, ये विजुअल लर्नर्स की स्टाइल होती है। ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं जो सुन सुन के सीखते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आप रिपीट कर करके सीखो, यू कीप रिपीटिंग, क्योंकि आप अपनी आवाज सुनोगे, टीचर की आवाज सुनोगे, रिकॉर्ड कर लो टीचर की इजाजत से, वो चीज सुनोगे तो सुन के आप बहुत इफेक्टिवली सीख सकते हो, रेपिटेशन से सीख सकते हो। और जो काइनेस्थेटिक है उसका क्या मामला होता है कि वो कुछ करके सीखता है, उसका मामला यह है कि उनको अगर एक जगह बिठा दो ना कि तुम बैठो, ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, मतलब दे स्टार्ट फीलिंग बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। तो काइनेस्थेटिक के अगर हाथ में कुछ दे दो और कुछ हाथ में हो, कुछ करते करते वो सीख रहा है, तो वो बहुत इफेक्टिव लर्निंग होती है। या कोई करके, कोई प्रोजेक्ट बनाकर, कोई चीज करके सीखे तो ये बहुत इफेक्टिव लर्निंग होती है। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं जो मल्टीपल कैटेगरी वाले होते हैं, और सबसे अच्छी बात यही है कि मान लो कि अगर आप विजुअल हो तो अपने आप को ऑडिटरी में डेवलप करने की कोशिश करो लॉन्ग टर्म में, भले ही रातों रात नहीं होगा, लेकिन अगर आप लर्निंग सुनकर भी सीख सकते हो, देख के भी सीख सकते हो, करके भी सीख सकते हो, तो आपकी लर्निंग पोटेंशियल बहुत बढ़ जाएगा। होता क्या है, मिसाल के तौर पर कोई शख्स होता है कि विजुअल है, अब उसको एक वक्त तक ऑडियो 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 सुना 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 कर, सुन लो ऑडियो, सुनो ये, सुनो सुनना पड़ेगा, सुनो सुनो सुनो, फाइनली उसका ऑडिटरी सेंसेस भी उसके बढ़ने लगते हैं, वो ऑडिटरी लर्नर भी बनने लगता है, और मल्टीपल जो तरीके से सीखते हैं वो लोग ज्यादा इफेक्टिव लर्नर्स बन जाते हैं। लेकिन अगर ना भी हो तो कम से कम इतना तो पता हो कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं। तो अपने आप को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर मान लो आपको याद नहीं आ रहा था स्टेज पे क्या है, तो आप विजुअल लर्नर मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो, हाँ, क्योंकि अभी तक इतना तो नोटिस करना चाहिए था, यहां ये था, ये ग्रीन कलर में था, ये फलां कलर था, ये सारी चीजें
ऑब्जर्व करना विजुअल लर्नर्स की एक निशानी है। तो अपने आप को जानना कि विच टाइप ऑफ पर्सन यू आर, विच टाइप ऑफ अ पर्सन यू आर, ये जानना बहुत जरूरी है। ये हो गए हमारे 3 पॉइंट्स। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। iPlus TV, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से iPlus TV आज ही डिमांड करें। iPlus TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।